नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मीशो ऐप पे अपना अकाउंट बना रहे हैं या आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीशो ऐप पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पे क्लिक किए हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा ओटीपी नहीं आ रहा है। यहाँ पर वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको मीशो ऐप से यहाँ से आपको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आप जिस भी मोबाइल नंबर को इसमें दे रहे हैं उसमें आपका रिचार्ज है कि नहीं। अभी होता क्या है कि जियो के अलावा और दूसरे यहां पर ऑपरेटर में अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो वहां पर आपका जो ओटीपी सर्विस है वो बंद कर दिया जाता है, उसके बाद आपका ओटीपी नहीं आता है। तो आपको सबसे पहले वह चेक कर लेना है। उसके बाद अगर आपके फ़ोन में रिचार्ज है उसके बावजूद भी आपका ओटीपी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है। डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार एरोप्लेन मोड को यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर से आपको इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में मीशो ऐप को ओपन करके देखना है और यहाँ से आपको ओटीपी सेंड करके देखना है कि आपका ओटीपी आ रहा है कि नहीं। अगर आपका ओटीपी इतना से भी नहीं आता है तो अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक ऐप मैनेजमेंट या आपको एक एप्लीकेशन मैनेजर का ऑप्शन होगा, तो आपके फ़ोन में इन दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐप लिस्ट पे जाना है। जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको मीशो ऐप को ढूंढ लेना है। तो चलिए हम मीशो ऐप को ढूंढ लेते हैं। मीशो ऐप ढूंढने के बाद अब आपको मीशो ऐप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक फर्स्ट स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको फर्स्ट स्टॉप पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको एक बार फर्स्ट स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद आपको स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको नीचे में एक डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पर यह चेक कर लेना है कि यह दोनों ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑफ है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में ये दोनों ऑप्शन ऑफ है तो यहाँ से बैक आना है, या आपके फ़ोन में यह दोनों ऑप्शन ऑफ नहीं है तो यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद चलिए यहाँ से इसको हम कट करते हैं। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में मीशो ऐप को ओपन करना है। तो चलिए मीशो ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से हम अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब अकाउंट लॉगिन करने के लिए या बनाने के लिए आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा ओटीपी सेंड हो गया है और ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक वेरीफाई भी हो गया है और यहाँ पर मेरा अकाउंट भी लॉगिन हो गया है। अगर आपके मीशो ऐप पे ओटीपी नहीं आ रहा था तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।